हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो सावन के वर्त स्टार्ट हो गए और आज फर्स्ट सोमवार है। तो गाइस, मैंने ये क्रिएट किया है बहुत ही इजी सिंपल मेकअप लुक, जो कि आप कर सकते हैं सोमवार के व्रतों में टेंपल में जाने से पहले। तो हर हर महादेव, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ टोनर, और गर्मियों में ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोपा थापे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बहुत ही हल्का हल्का मेकअप करेंगे एंड सारे प्रोडक्ट जो भी यूज़ करेंगे वो सब गर्मी के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोनर लगा लिया है, टोनर जो हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा और बहुत हद तक हमारे स्किन पर जो ऑयल आता है उसे कंट्रोल करता है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लोटस की सन्स ब्लॉक क्रीम। ये बहुत अच्छी सन्स ब्लॉक क्रीम है, बेस्ट सन्स ब्लॉक ऑफ क्रीम है, ठीक है। तो आप ये लगा रहे हो तो आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी ड्राई स्किन है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ SPF 30, एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप SPF 40 यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो मैट फिनिश में आती है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गार्नियर की बेबी क्रीम। ये बहुत ही लाइट होती है तो इसलिए मैं अपने हाथों से ही अप्लाई कर रही हूँ। अगर मैं इसे किसी ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ना ब्रश के इससे लगाऊँगी ना, तो ये मेरे फेस पे उस ब्रश पे ही प्रोडक्ट रह जाएगा और मेरे फेस पे कुछ भी नहीं आएगा। तो मैंने जो है अपने हाथों से ही हल्के हल्के हाथों से इसे अप्लाई कर लिया, ताकि जितना भी प्रोडक्ट है वो मेरी स्किन पे अच्छे से आ जाए और ये आपकी स्किन को ग्लो भी देती है। तो इसके बाद मैं अब इसे सेट करूँगी वाइट टोन पाउडर से। ये आपकी स्किन को थोड़ा सा वाइट टच दे देगा, साथ में आपकी स्किन पे जितना भी पसीना आता है उस सबको आने से कंट्रोल करेगा। एंड बिल्कुल हल्का हल्का मेकअप कर रहे हैं, सभी प्रोडक्ट में बहुत लाइट यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी हम ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। थोड़ा सा लगाएंगे जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ज़्यादा पसीना आता है, वहाँ वहाँ पर इसे अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आँखों के नीचे सबसे ज़्यादा पसीना आता है, नाक पर आता है और लिप्स के ऊपर आता है फेस पे, तो हम वहीं पे अप्लाई कर लेंगे। बट एक बार पूरे फेस पे से अच्छे से लगा लीजिएगा, इक्वल कर लीजिएगा, ये नहीं कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम हो जाए, और ये आपको बहुत अच्छी कवरेज तो नहीं देगा बट ओके ओके दे देगा। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अर्बन का आई शेडो पैलेट, एंड मैंने इस पे से ब्राउन कलर लिया है एंड बस इसे मैं अपने आईज़ पे लगा लूँगी। यहाँ पे बिल्कुल हैवी मेकअप नहीं होगा, क्योंकि हम मंदिर में जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम मेकअप करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने बिल्कुल लाइट सा जो है ब्राउन कलर ले लिया है, और उससे जो है अपनी कट क्रीज वाली जो आपकी लाइन होती है उस पर मैं ड्रॉ कर दूँगी और अच्छे से हम लगा लेंगे। एंड ब्लेंडिंग का पूरा ख्याल रखेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ये नहीं है कि हमने जल्दी जल्दी में क्या हो रहा है ऐसे ही कर दिया, नहीं, अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बहुत लाइट मेकअप करेंगे हम। इसके बाद जो है जस्ट आईलाइनर लगाएंगे। आईलाइनर में यहाँ पे विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का आईलाइनर लगाया है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, साथ में ये बहुत ही अच्छा है, आपको मैट फिनिश देता है। सो गाइज, इसके बाद मैंने यहाँ पे लाइनर लगा लिया है एंड अब हम ब्लश करेंगे। सो मैंने यहाँ पे शुगर का ब्लशर यूज़ किया। मैं फेस को कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना फेस कॉन्टोर करने से आई डोंट थिंक सो हमें ज़रूरत है, तो हम ब्लश करेंगे। बिल्कुल लाइट मेकअप हो रहा हमारा यहाँ पे, सो ब्लश करेंगे एंड ब्लश हम इस स्टाइल से करेंगे कि वो थोड़ा सा कॉन्टोर लुक दे। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करेंगे। अगर आप हाइलाइटर को स्किप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अगर आपको हाइलाइटर पसंद है मेरी तरह तो मेक श्योर आप लगा सकते हैं, इससे आपको थोड़ा फेस ग्लोइंग दिखेगा, ठीक है, तो आप हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। एंड इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। मैंने यहाँ पे कलर्स क्वीन की आईब्रो पेंसिल ली है, बहुत ही अफोर्डेबल है एंड ब्राउन कलर में है तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसे लगा लूँगी, अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी। जो मेरी नेचुरल शेप है मैं उसे ही बस थोड़ा सा डिफाइन करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही अपनी आईब्रोज के साथ। एंड इसके बाद हम अच्छे से फिल कर लेंगे, और मुझे थोड़ा सा माथे पे ज़्यादा हाइलाइटर लग रहा था तो मैं उसे बाद में थोड़ा सा हाथ से सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक मेकअप पूरा हमारा लाइट है, तो हमें थोड़ा सा लिप्स पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ गाइस, ठीक है। अगर आप चाहें तो लाइट भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी न्यूड शेड पिक करके लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा डार्क तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, मंदिर जा रहे हैं, सावन के व्रत है तो अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे वाइट काजल अप्लाई करूँगी। ये आपके आईज़ को एक अच्छा सा लुक देता है, बहुत ही सुंदर सा। एंड इसके बाद मैं इनर कॉर्नर पे भी इसे अप्लाई करूँगी। ये काजल NY का है और ये बहुत ही अच्छा काजल है। सो बस अब मैं इसे अपनी फिंगर पे ले लूँगी और इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूँगी, ठीक है।
तो मैंने जो है आज बहुत ही लाइट मेकअप किया है, तो मैं कोई भी फेक आई लैशेज अप्लाई करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि लाइट मेकअप में अच्छा लगता है विदाउट फेक आई लैशेज। अगर आप कह रहे हैं हैवी मेकअप क्या हो तभी अच्छी लगती है, या फिर आपको कहीं पार्टी फंक्शन में जाना हो तो। सो मैंने काजल यहाँ पे लगा लिया है, एंड इसके बाद मैं शुगर का मस्कारा लगा रही हूँ। एंड ये वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ये सभी मेकअप प्रोडक्ट शेयर किया है। सो गाइज, ये था मेरा लुक जो कि बहुत ही सिंपल था है, एंड बहुत ही मुझे लगा सिंपल टाइप ऑफ मेकअप है। तो मंदिर में जाते टाइम हम ऐसा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, एंड बहुत ही इजीली ये वाला मेकअप लुक क्रिएट हो जाएगा। एंड कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाएं तो ना कर पाए, डेली लाइफ में कर सकते हैं। हल्का एकदम लाइट मेकअप है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।